क्रिस्पी लोडेड चिकन के लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट पे स्लाइसेस, और इसमें ऐड कर लेंगे मैरिनेशन के लिए ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर, और एक घंटा मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। और चिकन की कोटिंग करने के लिए एक बाउल में ले लेंगे मैदा, नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, पेरी पेरी पाउडर, और इसे अच्छे से मिला के पानी मिला के एक पेस्ट सा बना लेंगे। और दूसरे बाउल में ले लेंगे ब्रेड क्रम्स, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, और इसे अच्छे से मिला के साइड में रख लेंगे। देन मैरिनेटेड चिकन को मैदा बैटर में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। और दूसरी तरफ आलू छील के उसे फ्राइज के शेप में काट लेंगे। और इन सारे फ्राइज़ को एक ड्राई क्लॉथ या टिश्यू से सारा पानी इसका सोक कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे कंप्लीट। इसके बाद ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लावर और ऑल पर्पज़ फ्लावर, और अच्छे से मिला के इसे साइड में रख लेंगे। एक पैन में लेंगे ऑयल, जब ऑयल हीट हो जाए उसमें चिकन ब्रेस्ट पीसेस स्लाइसेस को तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लेंगे और उसी तेल में डाल लेंगे फ्राइज, और फ्राइज को भी अच्छे से पका के निकाल लेंगे। देन एक प्लेट में चिकन और फ्राइज को डाल के पेरी पेरी मसाला ऐड कर लेंगे। देन चिकन ब्रेस्ट पीसेस को पीसेस में कट कर लेंगे। सैलड के लिए ले लेंगे लेट्यूस, कैरेट्स और मेयोनीज। एक प्लेटर में चिकन, फ्राइज और सैलड को असेंबल कर लेंगे, और जलापेनो सॉस, चीज़ी क्रीम सॉस, कैरेट और बीटरूट पिकल एंड ग्रीन अनियन से गार्निश कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। फॉर मोर सच रेसिपी सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।